हेलो एवरीवन। सो हम लोग मशरूम बनाने के लिए रेडी हैं इंट्रो से, और आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हम लोग मशरूम दो प्याजा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे आप लोगों को मैं झटपट बताता हूँ। मसालों में हम लोगों को हाफ टी स्पून हल्दी चाहिए, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून हम लोगों को पनीर मसाला चाहिए, 1/4 टीस्पून हम लोगों को जीरा पाउडर एंड 1 चम्मच हम लोगों को बटर चाहिए। जैसे कि ये पनीर, जैसे कि हम लोग मशरूम दो प्याज़ा बना रहे हैं तो हम लोगों को शिमला मिर्ची काटना होगा पनीर चिल्ली के शेप में, और हम लोगों को अनियन काटना होगा। ये एक मीडियम साइज़ का बड़ा अनियन था, और ये 4 से 5 शिमला मिर्ची, और थोड़े से हम लोग ने ग्रीन पीस लिए हुए हैं। हम लोगों को 4 से 5 पतले पतले कटे हुए गार्लिक चाहिए, 4 से 5 ग्रीन मिर्ची चाहिए, और 1/2 मीडियम साइज़ का अनियन पतला कटा हुआ। हम लोग का ग्रेवी रेडी है। इसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसका सेपरेट वीडियो बनाया वो आप देख सकते हो। ग्रेवी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमारा दही है 1 टेबल स्पून, और 1/2 टीस्पून हम लोग के पास मलाई है, अमूल मलाई, और इसी के साथ हम लोग ने थोड़ा सा दूध भी ले लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है ये 1/2 कप है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग ने पूरा सा सजा लिया हुआ है। अभी हम लोग मशरूम दो प्याज़ा बनाएंगे। ये हमारा मशरूम कैसे बनाना है ये आपको बताता हूँ मैं। सो गाइज, हम लोग ने हमारा मशरूम निकाल लिया। अब इसको कैसे धोना है, कैसे काटना है, कैसे उबालना है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। सो मशरूम का जो निकालने का प्रोसेस है, हम लोग को दबा के पहले ये निकाल के साइड रख लेना है, फिर स्लोली स्लोली जैसे आलू को छिलते हैं हम लोग, वैसे इसके ऊपर के लेयर को हम लोग फटाफट छिल लेंगे। ओके, तो मैं पूरा छिल के फिर आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पहले इतना गंदा था ये, और अभी ये इतना साफ़ हो चुका है। हम लोग को सारे मशरूम को ऐसे ही हम लोग को सारे मशरूम को क्लीन करना है। सो मशरूम क्लीन हो चुके हैं। अभी हम लोग को आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। हम लोग ने पानी हीट होने के लिए डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम लोग, जिससे मशरूम के अंदर बहुत गंदगी होती है वो हम लोग को क्लीन करना रहेगा। अभी हम लोग गर्म पानी में इसको डाल देंगे। थोड़े टाइम के लिए इसको पानी में ही रहने देंगे, तभी तक हम लोगों ने जो भी शिमला मिर्च और अनियन काटा था उसको फ्राई कर लेंगे तेल में। तो मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रहा हूँ, और तेल हीट होने के बाद मैं उसमें अनियंस और शिमला मिर्ची डाल दूंगा। तो साइमेंटेनियसली दो काम हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। मशरूम भी क्लीन हो रहा है पानी से, और शिमला मिर्ची और अनियन भी अच्छे से भून रहे हैं। तो अच्छे से मैं डिप करूँगा इसको गर्म पानी में। इसकी साइज़ आप देख रहे होगे बहुत बड़ी बड़ी है, बट तो अब ये छोटा हो जाएगा, और अनियन भी मेरा बहुत अच्छे से पक रहा है। इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, जलने नहीं देना है। जैसे कि ये मशरूम दो प्याजा है, तो इसके वजह से हम लोग ने थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा ये लिया हुआ है शिमला मिर्च। हम लोग इसको चला लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। आप देख रहे होगे हमारा मशरूम भी रेडी है। मशरूम को निकाल के बाहर रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, और इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए इसका साइज़ भी छोटा हो गया है। अभी हम लोग हमारा फ्लेम ऑन करेंगे। ये हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे हम लोग को अपना पैन गरम करना है। इसमें जो भी पानी है उसको सुखा लेना है। तो आप लोग भी हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा। ऑलरेडी मेरे पास ऑयल साइड में निकाल के रखा था, इसमें आई थिंक मैंने कुछ फ्राइड किया है या पानी सब खत्म हो गया। अभी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल की जो क्वांटिटी रहेगी वो 2 टीस्पून रहेगा। ऑयल को गर्म होने देना है। मैंने अपना सारा ग्रेवी, जितने इंग्रेडिएंट्स है वो केयरफुली रख लिया है, जिससे मुझे जल्दी जल्दी में कुछ मिस ना हो जाए। सबसे पहले मसाले में हम लोग को जीरा ऐड करना है।
जीरा ओनली टेस्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, ज़्यादा जीरा ऐड नहीं करना है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो गाइज इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने कटे हुए मिर्ची, अनियंस और गार्लिक ऐड कर लिया है। अब इसको हम लोग स्लो फ्लेम पे अच्छे से गरम करेंगे। मैंने ऑयल का जो कढ़ाई था वो साइड में कर दिया, जिससे मैं अगर फ्राइड कर रहा हूँ तो वो गिर ना जाए, बिकॉज़ इसको ऑलवेज चलाना पड़ता है। ये ग्रेवी का पानी है, मिक्सर में जो हम लोग ग्रेवी को पीसते हैं तो वो पानी जो बचा हुआ रहता है वो हम लोग साइड में रख लेते हैं, ये भी काम आता है, टेस्ट इन्हेंस करता है। तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा चलाने के बाद हम लोग हल्का हल्का मसाला ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये टर्मरिक हल्दी, और इसमें मैंने थोड़ा पनीर मसाला डाल दिया है, पूरा ऐड कर दिया। अब इसको स्लो आंच पे अच्छे से पकाना है। यहाँ पे बटर भी ऐड कर दिया मैंने, इसको स्लो आंच में ही पकाना है। हम लोग इसको आराम से भून लेंगे, मसालों को हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है नहीं तो खराब हो जाते हैं। देखिए मैंने स्लो फ्लेम किया है, अभी इसको मैंने यहाँ पे ऐसे हटा लिया है बिकॉज ये जल ना जाए। हल्का सा तेल ऐड किया है जिससे मसाले और भी अच्छा टेस्ट दें। तो आपको मसालों को ज़्यादा भी नहीं पका लेना है कि वो जला जला स्वाद आए, स्लोली स्लोली पकाते रहोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अभी ये स्टेज पे हम लोगों को हल्का सा पानी ऐड कर देना है जिससे कि और अच्छे से पक जाए ये मसाले हमारे। तो ये सारे होटल्स में ऐसे ही प्रिफर होते हैं, तभी वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम लोग घर पे क्या करते हैं, नॉर्मली सारी सब्जियां काट के सारे ऑयल ऑयल मिक्स करके रख देते हैं, ढक देते हैं, तो इसलिए थोड़ा टेस्ट का डिफरेंस रहता है होटल में और घर में। ये हमारी ग्रेवी जो ऑलरेडी इसका वीडियो है, आप ट्राई कीजिएगा। ये ग्रेवी पनीर में भी यूज़ होता है, मशरूम में भी यूज़ होता है, और भी ऐसे जो फूड्स रहते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आप नॉनवेज में भी ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हो, बट ग्रेवी ऑलरेडी बनाया हुआ है गैस पे ही। तो ये बेसिकली अनियन और टमाटो का ग्रेवी है, इसमें बहुत सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मसाला ऐड किया हुआ है। अभी इसको हम लोग स्लो आंच पे ऐसे पकाते रहेंगे। ये इसीलिए मैंने क्रॉपटेड वीडियो नहीं बनाया कि कितना टाइम हम लोग को लगता है एक्चुअली सब्जी बनाने में, ये वो आप लोगों को भी पता चले। अभी जितने मसाले हैं सारे मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और अगर आपको ग्रेवी थिक अच्छी लगती है तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, अगर आपको पतली चाहिए तो आपको और पानी ऐड कर देना है। तो हम लोग ने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी यहाँ पे हम लोग ग्रीन पी ऐड करेंगे, इसको भी हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इंग्रेडिएंट डालना है उसको एक साथ नहीं डालना है, पहले डालना है फिर पकाना है, फिर डालना है फिर पकाना है। तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको निकल के आएगा आपके सब्जी में। तो ऐसे ही मटर पनीर भी बनाया जाता है, बेसिकली ग्रेवी का ही टेस्ट रहता है जो हम लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा योगर्ट दही ऐड कर दिया है 1 चम्मच, साइड में ही अमूल मलाई है, ये घर की मलाई है, आप अमूल मलाई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ ऐड कर दिया मैंने और अच्छे से स्लोली स्लोली मिक्स कर रहा हूँ मैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी मसाले हार्ड होते हैं ऐसे ग्रेवीज में, तो उनको ये न्यूट्रल करता है दही,
इसको सिंपली मिक्स करेंगे। आप देखते रहोगे धीरे धीरे करके पूरा कलर चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेवी बहुत थिक थी, यहाँ पे देखो आप ग्रेवी थोड़ी थोड़ी पतली हो रही है और बहुत ही अच्छा फ्लेम आ रहा है। ये मैंने गैस का जो अनवांटेड वॉइस है वो अवॉइड किया है आप लोगों को, नहीं तो ये वॉइस बहुत क्रिएट करता है और वॉइस अच्छे से जाती नहीं, इसके वजह से मैंने वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ। सो सिंपली हम लोग मिक्स करते जा रहे हैं ऐसे। जो टाइम कंज्यूम होगा वो 10 मिनट लगता है पूरा बनाने के लिए। अभी इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, वो भी स्लोली स्लोली, ज़्यादा हम लोगों को हाई नहीं करना है दूध ऐड करने में। एक साथ कुछ भी नहीं डालना है, स्लोली स्लोली ऐड करना है, और जो भी ऐड करना है उसको गैस पे अच्छे से भून लेना है, जिससे कि हम लोग का टेस्ट और भी अच्छा है। ये शुगर ऐड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा शुगर है आप 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून पकड़ सकते हैं, 1/2 टीस्पून आप शुगर ऐड कर लेना यहाँ पे ये टाइम पे। और जैसे जैसे स्टेप्स बताए हुए हैं अगर आप ऐसे सेम फॉलो करोगे गाइस तो आप कभी भी बाहर जाके खाओगे नहीं। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा ग्रेवी का पानी, ये ग्रेवी का पानी है। अभी मैं फ्लेम थोड़ा हाई करूँगा बिकॉज ये ऑलमोस्ट फाइनल टेक्सचर है। तो हम लोग ने हमारा मशरूम ले लिया, अच्छे से वॉश किया इसको, आप देख रहे हो कि बहुत चमक रहा है ये। तो हम लोग स्लोली स्लोली इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये हाई फ्लेम पे ही रहेगा जिससे ग्रेवी अच्छे से एक दूसरे से मर्ज हो जाए। अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया, ग्रेवी में ऑलरेडी नमक रहता है। नमक का जो प्रोसेस है वो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे हम लोगों को अनियन और शिमला मिर्ची भी ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था शिमला मिर्ची और अनियन हम लोगों ने गैस पे ऑयल में रोस्ट किया हुआ है, तो इसको जस्ट लिटिल बिट हम लोगों को ग्रेवी में हीट करना है, दैट्स ऑल। और ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट ले लेगा ग्रेवी से। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। नमक में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ज़्यादा नमक नहीं करना है, ऑलरेडी ग्रेवी में नमक रहता है तो हम लोगों को